आज के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है पिछले सेशन में मैंने दाखलता और डालियों के विषय में आपसे बात करी प्रभु यीशु मसीह यहा का पंद्रहवा अध्याय में हमें बताता है कि वो दाखलता है और हम जो विश्वासी या चेले हैं उस दाखलता के डालियां हैं। जब एक डाली नहीं फलती तो उस अध्याय में प्रभु ने बताया कि प्रभु जो है उस डाली की मदद करता है उसको उठा के रखता है जमीन से ताकि वो फलना शुरू करे और जो डालियां फलती है उस पर प्रभु मेहनत करता है या उसकी उसकी छटाई करता है ताकि वो और फल लाए आज हम एक और बात पर या पवित्र आत्मा की एक और भूमिका पर ध्यान करते हैं प्रेरितों के कामों में पहला अध्याय का आठवा पद में मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे योना का इस पंद्रहवा अध्याय में ही सत्ताईस छब्बीसवा पद में प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा जो कि सत्य का आत्मा है आएगा तो वो मेरी गवाही देगा उसके बाद सत्ताईसवा पद में प्रभु ने कहा कि तुम भी मेरी गवाही दोगे क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो ये आपको मिलेगा सताइसवें पद में इस बात पर ध्यान दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमें देता है और हमें भी परमेश्वर यानी यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए इस गवाही को लेके आज हम बात करते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय का आठवा पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी और तुम मेरे लिए यरूशलेम में यहूदिया में और शमरिया में और पृथ्वी की चोर तक गवाह ठहरोगे यानी तुम हर जगह मेरे गवाह ठहरोगे जहां कहीं तुम जाते हो जहां कहीं तुम हो तुम मेरे गवाह होंगे आज हम इस बात पर ध्यान करेंगे मनन करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार या किस तरह यीशु मसीह के गवाह होंगे सबसे पहले प्रभु ने कहा था कि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा यानी पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य बन जाओगे किस बात के लिए यीशु मसीह का गवाह होने के लिए योना का सोलहवा अध्याय का सातवें पद में यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि मेरा चला जाना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आएगा इसका मतलब सहायक के आने से हमें बहुत सारी बातों में सहायता मिलेगी उनमें से एक बात है यीशु मसीह का गवाह होना पवित्र आत्मा या सहायक की सहायता से हम यीशु मसीह के गवाह होंगे बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि गवाही देने का मतलब है कि चर्च में या विश्वासियों की मंडली में खड़े होकर सबको ये बताना कि प्रभु ने उनके लिए क्या किया है प्रभु के किए हुए कामों के विषय में दूसरों को बताना भाई बहनों के बीच में खड़े होकर बताना और उनके साथ खुशी मनाना बहुत अच्छी बात है और ये भी अच्छी बात है की प्रभु के किए हुए कामों को बता के सुन के सब मिलके प्रभु की प्रशंसा करे तारीफ करे और आराधना करे लेकिन इस जगह में जब येशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे ये का मतलब यह नहीं था इस तरह चर्च में या संगति में खड़े होकर का वर्णन करने ये पैसेज जो है या इस पद में जो यीशु मसीह हमें गवाह होने की बात कर रहा है ये साल्वेशन के विषय में उद्धार के विषय में दूसरों को गवाही देने के बारे में है यानी सुसमाचार दूसरों के साथ बांटने के विषय में यीशु मसीह बात कर रहा है एक सवाल आता है कि क्या किस तरह किस तरह हम यीशु मसीह के उस उद्धार के विषय में गवाही दूसरों को देंगे सबसे पहले जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे तो यीशु मसीह उस उद्धार की ओर संकेत दे रहा था यानी यीशु मसीह बता रहा था कि तुम उस उद्धार के या उस महान काम जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है उसके गवाह होंगे अब एक सवाल आता है कि हम उसके गवाह कैसे होंगे और जाहिर है कि उसके बारे में दूसरों को बताते हुए यानी सुसमाचार दूसरों को बताते हुए हम यीशु मसीह के गवाह होंगे ध्यान रखिए प्रेरितों के काम एक के आठ में यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी जब पवित्र आत्मा आएगा इसलिए पवित्र आत्मा ही आपकी मदद कर सकता है इस कार्य में हर अवसर जो आपको मिलता है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए और सुसमाचार दूसरों को बताना चाहिए आपका काम दूसरों को सुसमाचार बताना है यानी उस महान बलिदान के विषय में उस महत्वपूर्ण कार्य के विषय में काम या घटना जो इतिहास में घटी है उसकी एक सही रिपोर्ट देना आपका काम है वो रिपोर्ट या सुसमाचार कैसे पेश करना है कैसे शुरू करना है क्या क्या उसमें बताना है उसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा आपको शब्द देगा वचन देगा लेकिन आपका संदेश वही होगा कि मनुष्य पापी है और कोई भी मनुष्य अपने आप को पाप से नहीं छुड़ा सकता नहीं बचा सकता इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के आया वो है यशु मसीह और ये मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया क्रूस पे अपना लहू बहाया और तीन दिन और तीन रात मृतक अवस्था में रहा फिर जी उठा और जो कोई उस सत्य को मान लेता है जो कोई उस सत्य को ग्रहण करता है और उसी ये को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करता है उसको उद्धार मिलता है ये, ये सुसमाचार इसको कैसे शुरू करना है और किस रीति से पेश करना है ये समझ जो है पवित्र आत्मा देगा पवित्र आत्मा आपके मन में या आपके मुंह में शब्द मुं डालेगा और आप बोलना शुरू करेंगे आपको याद होगा एक बार मैंने आपको बताया था पत्रस और स्टीफनुस के बारे में कि वे किस तरह ही आपसे यहूदियों के बीच में और यहूदियों के जो सरदार थे उनके सामने खड़े होके सुसमाचार का प्रचार किया यानी यीशु मसीह की गवाही दी और उस समय पवित्र आत्मा ने उनको वचन दिए इसी तरह प्रेरितों के कामों में हम पोलोस को भी देखते हैं और पोलोस के साथ अन्य सेवकों को भी देखते हैं कि उन लोगों ने अन्य जातियों के बीच में कैसे सुसमाचार का प्रचार किया अन्य जातियों के बीच में जब पोलोस प्रचार किया तो वो उस रीति से नहीं प्रचार किया जिस रीति से उसने यहूदियों के बीच में किया संदेश वही था संदेश में कोई फर्क नहीं था लेकिन उसको पेश करने का उसको शुरू करने का तरीका फर्क था क्योंकि लोग फर्क की समझे थे इसलिए पवित्र आत्मा इसमें बहुत खूबसूरत भूमिका निभाता है और आपकी सहायता करता है हमें तैयार रहना चाहिए और पवित्र आत्मा हमें वचन देगा हमें इस्तेमाल करेगा और सुसमाचार सुनने के बाद लोगों की ओर से जो प्रतिक्रिया है वो भी उसके लिए भी पवित्र आत्मा जिम्मेदार है उनको कन्विंस करने में और उनको कन्विक्ट करने में यानी उनके मन में इस बात को अच्छी तरह उनको समझाने में दृढ़ता के साथ उनको समझ आता है अच्छी तरह उनको समझ आता है कि वो पापी है उनको ये भी समझ आता है उनको पाप से बचाने वाले की जरूरत है और फिर वो निर्णय लेता है निर्णय उनके हाथ में है लेकिन बात को समझाना पवित्र आत्मा करता है इसके बाद पंद्रहवा अध्याय में पांच और छह में पांचवा और छठवा पदों में यीशु मसीह ने कहा कि फिर से कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदि कोई मुझमे बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में जोक देते हैं और वे जल जाती है यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करते हुए कुछ बातों को फिर से दोहरा रहा है जैसे कि वो दाखलता है और हम डाली है और जब तक हम उसमें बने रहेंगे हम फलते रहेंगे उससे अलग होकर उससे हटकर हम कुछ भी नहीं कर सकते और डालियों को फल उत्पन्न करने में पवित्र आत्मा ही सहायता करता है उस दाखलता में बने रहने के लिए भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और जब तक हम उसमें बने रहेंगे हम फलते रहेंगे और प्रभु भी हम में ही रहेंगे हम प्रभु में होंगे प्रभु हम में होंगे जब हम प्रभु में है तो फल लाएंगे अगर हम प्रभु में नहीं है तो फल नहीं लाएंगे यानी प्रभु प्रभु हमें छोड़ के नहीं जाता लेकिन मसीह जो हम में है वो दूसरों को नहीं दिखेगा वो विजिबल नहीं होगा जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे और उसी तरह आप जीवित रह या अपने जीवन को बिताएंगे जैसे मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में रह के बिताया आप फल लाते रहेंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे यीशु मसीह की तरह इस पृथ्वी में रह सकता हूँ ऐसा हो सकता है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसा जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर हमें अनग्रह देता है यीशु मसीह के समान रहने का मतलब क्या है या यीशु मसीह यीशु मसीह के तरह जीवन जीने का मतलब क्या है आपको याद होगा जब मसीह इस संसार में इस पृथ्वी में रहा तो हमेशा पिता की मर्जी की खोज करता था और पिता की मर्जी के अनुसार सब कुछ करता था ध्यान रखिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो वो मनुष्य बन के यहां में रहा था परमेश्वर बन के नहीं और वो मनुष्य बन के आपके और मेरी तरह मनुष्य बन के पिता से पूछता था और पिता की मर्जी को हमेशा पूरा करता और जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर की मर्जी जानकर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम जब अपने जीवन को चलाते हैं हम यीशु मसीह की तरह जिंदगी जीते हैं और यीशु से हटकर अपने आप हम नहीं फल सकते इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर कुछ काम करते हैं तो उसका कोई नतीजा या परिणाम नहीं निकलेगा हमारे कामों के द्वारा जो परिणाम निकलते हैं उसी को ही फल कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा परिणाम जरूर निकलेगा यानी फल जरूर होंगे लेकिन वो फल जो है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होंगे लेकिन जो कुछ हम परमेश्वर की मर्जी में रहकर करेंगे उसका जो परिणाम है या उसके जो फल है वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होंगे या मैं इस बात को इस तरह से भी कह सकता हूं कि जो कुछ परमेश्वर की मर्जी के बाहर जाके हम करते हैं उसके द्वारा जो फल निकलते हैं वे सारे फल एक ऐसी टोकरी में रखती जाए रख दिए जाएंगे जिसमें लेबल लगा होगा कि बुरे काम या बुरे फल और जो कुछ हम परमेश्वर की मर्जी में रह कर करते हैं उन कामों को या उन कामों के जो फल है उसको एक ऐसी टोकरी में रख दिए जाएंगे जिसमें लेबल लगा होगा अच्छे पल और जब तक हम इस इस सच्चाई को इस बात को नहीं समझेंगे और नम्रता के साथ इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे कि हम खुद में या अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते या आप अपनी मर्जी से ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके फल अच्छे होंगे यानी दूसरे शब्दों में जब तक हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहेंगे हम मूर्ख या बेवकूफ होंगे और हम अपनी ताकत से अच्छे फल लाने की कोशिश कर रहे होंगे वो कामयाब नहीं होगा प्रभु में रहकर प्रभु की मर्जी के अनुसार जब हम काम करेंगे जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें सहा, हमें सहायता देता है हमें अनुग्रह देता है हम कामयाब होंगे हम अच्छे फल लाएंगे जिसके हमें अच्छा इनाम भी मिलेगा प्रभु में बने रहने का मतलब है कि अपने अपना इनकार करना और अपना क्रूस को उठा लेना एक विश्वासी जो प्रभु में नहीं बना रहता उसमें प्रभु का जीवन दिखाई नहीं देगा और जैसे मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु मसीह उसको, उसको छोड़ के नहीं जाता वो अपने व्यवहार में परमेश्वर को यीशु मसीह को छोड़ देता है यानी वो खुद को उस दाखलता से काट देता है अलग हो जाता है हर मौका जो उनको मिलता है फल लाने का यानी प्रभु यीशु मसीह की मर्जी जानकर उसके अनुसार चलने का उस मौके को वो गवा देता है या उसको वो नजरअंदाज करता है उसको टुकरा देता है और जब वो ऐसा करता है एक एक विश्वासी जा लगातार जब वो ऐसा करता है तो उसका जीवन उस सूखी लकड़ी के समान या एक सूखी डाली के समान हो जाता है जिसे लोग उठाकर आग में डाल देता है और यहां पर मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह उन विश्वासियों से बात कर रहा है जो अपने पुराने स्वभाव के अनुसार चलते हैं जो आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चलते वो काम करते हैं ऐसा नहीं कि वो कुछ न, कुछ भी नहीं करते वो बहुत कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नाम लेके लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करते इसलिए उनके कामों के अच्छे फल नहीं आते हर दिन हम चाहे तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जी सकते हैं या फिर अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं और हम जानते हैं हम शुरू से जब तक हम प्रभु में नहीं आए या जब तक हमें प्रभु नहीं मिले तब तक हम अपने पुराने स्वभाव में ही रहते थे इसलिए उस पुराने पापमय स्वभाव के अनुसार जीना या उसके अनुसार चलना अपने जीवन को चलाना हमारे लिए आसान है प्रभु की बातों को सुन के उसके अनुसार चलना शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगता है और जब हम अपनी मर्जी से चलते हैं तो हम दुनिया के सामने अपने आप को ही प्रकट करते हैं परमेश्वर को नहीं और हमारे द्वारा दुनिया के नजर में जो अच्छे काम होते हैं उसमें भी हम प्रभु को नहीं प्रकट कर रहे होते हैं हम अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और हमारी बड़ाई होती है हमें तारीफ मिलती है लोग हमारी प्रशंसा करेंगे और वही होगा हमारा फल लेकिन यदि हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलेंगे तो उसमें प्रभु की महिमा होगी क्योंकि हम लोगों के सामने प्रभु को पेश कर रहे हैं प्रभु से मेरा मतलब प्रभु येश मसीह और जब हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं तो हमारे जो चाल चलन है उसके सोर्स या उसका स्रोत जो है स्वयं प्रभु है। और हमारे विचारों को हमारी भावनाओं को हमारे देश को हमारे मकसद सब कुछ फिर आत्मा के द्वारा संचालित होंगे और हमारे सोच में हमारी बातचीत में और हमारे चाल चलन में हम परमेश्वर को प्रकट करते जाएंगे यहाँ पर जो सूखी डाली या सूखी लकड़ी के विषय में प्रभु ने जो बताया मैं समझता हूँ कि वो उन पलों के बारे में है जो हमारे पुराने स्वभाव में चलने के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं जिसके विषय में हम और भी अच्छी तरह देख सकते हैं कुरुदियों की पहली पत्री का तीसरा अध्याय इस तीसरा अध्याय का चौदहवा और पंद्रहवा पदों में ये मसीह ने कहा था कि हमारे सारे काम जो है उस दिन पढ़ के जाएंगे यानी आग में डाल के प्रभु में आने के बाद जो कुछ भी हमने किया है प्रभु में सोने तक उन सारे कामों को परमेश्वर जांच करेगा आग के द्वारा और जो काम आग में पड़ने के बावजूद बना रहता है उसके लिए हमें इनाम मिलेगा जो काम जल जाते हैं वो जल जाएंगे उसके प्रति उस हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा यानी उसका फल अच्छा नहीं माना जाएगा लेकिन जो काम नहीं जलते अच्छे फलों की में होंगे और उसके बदले हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगी इनाम मिलेगा इसलिए पर जो सबसे मुख्य संदेश मैं समझता हूं, यह है कि हमें आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहिए और यहां पे ध्यान रखिए पहले का तीसरा अध्याय में अंबर जो न्याय आएगा परमेश्वर का या परमेश्वर जब हमारा फैसला करेगा तो वो पल ना लाने के लिए नहीं होगा यानी फल ना लाने की वजह से परमेश्वर हमारे इनाम को नहीं रोकेगा फिर किस वजह से रोकता है या किस वजह से हमें इनाम नहीं मिलता गलत या बुरे फल लाने की वजह से बुरे फल कैसे होंगे क्यों होंगे क्योंकि हमारे काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं थे क्योंकि आपको मालूम है कि फल जो है किसी काम को करने के बाद आता है इसलिए फल ना लाने की वजह से परमेश्वर हम पर न्याय नहीं कर रहा है फल हम जरूर लेके आते अच्छे फल ना लाने के कारण हम पर न्याय हो रहा है अच्छे फल क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे काम अच्छे नहीं है सही नहीं है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है योना का पंद्रहवा अध्याय का आठवा पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अच्छे फल लाओगे मेरे पिता प्रभु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले डर यानी परमेश्वर की महिमा इस बात पर है कि हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे फल है और जब हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे फल है तो हम सचमुच यीशु मसीह के चेले होंगे क्योंकि सही या सच्चे चेले जो है अच्छे फल को उत्पन्न करते हैं और उसमें पिता की महिमा होती है और जो अच्छे फल हम उत्पन्न करते हैं वो इस बात की सबूत है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं ध्यान द्या, रखिए है। अगर आप प्रभु में बने रहते हैं तो आप अच्छे फल जरूर लाएंगे और आप प्रभु में हैं लेकिन आपके द्वारा फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा आपको उठा के रखेगा जमीन से ताकि आप फलना शुरू करें और आप प्रभु में हैं और फल ला रहे हैं लेकिन फल कम है तो पवित्र आत्मा आपकी छटाई करेगा आपके जीवन से उन सब चीजों को हटाने की कोशिश करेगा जो आपको फलने से रोक रही है और आप और फल लाना शुरू करेंगे इस तरह हम देखते हैं कि एक सच्चा चेला जो है अच्छे फल उत्पन्न करते हैं हैं। और फल क्या है हम उसको भी देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण फल क्या हो सकता है जो हमारे द्वारा उत्पन्न होगा मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण फल जो एक विश्वासी उत्पन्न कर सकता सकता है है वो प्यार है। और ये मैं कैसे कह योना का अध्याय में में पद मसीह ने कहा कि तुम्हारे आपसी प्यार को देखकर दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो सो इस तेरहवा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा प्यार इस बात की सबूत रहेगी कि तुम मेरे चेले हो और फिर फिर पंद्रहवा अध्याय का आठवा पद में प्रभु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत से फल लाओ और जब तुम बहुत से फल लाते हो मेरे पिता को महिमा मिलती है और तुम सचमुच मेरे चेले ठहराते हो इसलिए मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण या सबसे इंपोर्टेंट फ्रूट जो है फल जो है वो हमारा प्यार है और यहां पर मैं मनुष्य के जो प्यार है उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं परमेश्वर के प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के हृदय में डाल रखा है वो प्यार जिसमें स्वार्थ नहीं है जिसमें एक दूसरे के लिए परवाह होती है चिंता होती है और यीशु मसीह ने कहा कि एक सच्चे चेले का सही पहचान ये प्यार है पंद्रह के सोलह में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है की कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे की तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वे तुम्हें दे प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है और यहाँ पर प्रभु उस चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहा है जो कि जो प्रभु ने हमें उद्धार पाने के लिए चुना है यानी उस बुलाहट के के बारे में बात नहीं हो रही है जो हर एक विश्वासी के जीवन में है उद्धार पाने के लिए यहाँ पर मसीह उन लोगों से बात कर रहा है जो प्रभु यशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं और यशु मसीह के पीछे पीछे चलने का इरादा कर चुके हैं और आपको याद है कि इस अध्याय में जुदा यहूदा स्क्रियती नहीं है यानी सिर्फ वही लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चलने का निर्णय ले चुके हैं और प्रभु साफ रीति से बताता है उन लोगों से जिन्होंने निर्णय लिया है उसके पीछे चलने का कि प्रभु ने उन्हें चुना है ताकि वो प्रभु में बने रहे और फल लाए और जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो फल जरूर लाते हैं और हमने ये भी कहा कि प्रभु की इच्छा यहाँ पर ये जा, यहाँ पर जाहिर की गई है कि या जाहिर हुई है कि प्रभु चाहता है कि हम ऐसे फल लाए जो जो सदा तक बने रहे या सदा तक रहने वाले पल हम लाए क्या आपको मालूम है आप ऐसा कोई पल जानते हैं जो सदा तक बना रहता है कुर्दियों की पत्री का तेरहवा अध्याय का तेरहवा पद में मसीह कहता है पवित्र आत्मा कहता है कि अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थाई हैं पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है तो तीन बातें स्थाई विश्वास आशा और प्रेम लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है या प्यार है तीन चीजें हैं जो सदा तक है जो अनंत जीवन तक रहती है लेकिन इनमें से इन तीनों में से सबसे बड़ा जो है प्रेम है सदा तक रहने वाले फल के विषय में एक और बात या एक और में आपको देना चाहता हूं जिस फल में बीज होते हैं वो सदा तक रह सकता है कैसे क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक फल के अंदर बीज है तो वो बीज को हम उगा सकते हैं जमीन में डालने के बाद कुछ समय के बाद वो उगते हैं और वो एक पेड़ बन जाता है और उसमें फिर से फल लगते हैं इस तरह एक फल में अगर बीज है तो वो सदा तक बना रहता है या पीढ़ी दर पीढ़ी वो बना रहता है और यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम्हारा फल सदा बना रहे यानी तुम्हारे जो फल है वो सिर्फ इस जीवन में नहीं अनंत जीवन में भी दिखाई दे या अनंत जीवन में तुम इसको लेके जा सको जब आप प्रभु में बने रहते हैं आपके अंदर जो प्यार है परमेश्वर का प्यार है वो बाहर को दिता है दूसरों पर वो प्रकट होता है या हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब आप प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं तो दूसरों को आप में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा और जब आप प्रभु यीशु मसीह में या प्रभु के प्यार में चलना शुरू करेंगे तो आप दूसरों को प्रभु के उस महत्वपूर्ण काम के विषय में बताएंगे आप उस उद्धार के विषय में सबको बताएंगे एक दूसरा आपके अंदर जो प्रभु ने काम किया है या प्रभु के काम करने के द्वारा पवित्र आत्मा के काम करने के द्वारा आप में जो परिवर्तन आया है वो दूसरों को दिखाई देगा और दूसरे लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे इस तरह जब आप प्रभु में बने रहते हैं आपके द्वारा सुसमाचार का प्रचार होता रहेगा चाहे आप मुंह खोल के दूसरों को सुसमाचार सुनाए या फिर बिना मुंह आपके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखने के कारण लोग जो आपके पास आएंगे आपसे पूछना शुरू करेंगे कि आप में ये परिवर्तन कैसे आया और तब आप बताएंगे यीशु मसीह के उस महत्वपूर्ण काम के विषय में और ये जो फल जीवन तक दिखाई देगा उसमें एक खूबसूरत बात और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले आप जब सुसमाचार बताएंगे या आपके जीवन में जो परिवर्तन आया उसको देख लोग जो सुसमाचार की ओर ध्यान करेंगे वो जब विश्वास करेंगे वो भी अनंत जीवन में आपके साथ होंगे उसके अलावा उन लोगों के द्वारा जिन्होंने जिनको आपने सुसमाचार सुनाया या जिन पर आपका प्रभाव हुआ और विश्वास में आया वो लोग जिनको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे वो भी आपके साथ अनंत जीवन में होगा और ये सब लोग आपके पल की गिनती में आएंगे क्योंकि इन सब कामों के लिए पवित्र आत्मा या यीशु मसीह मेरा मतलब आपको इनाम देगा क्योंकि आप प्रभु में बने रहे और आपके प्रभु में बने रहने के कारण ये सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया इसलिए मैं समझता हूँ कि उद्धार जो है एक ऐसा फल है जो सदा तक बना रहता है यानी अनंत जीवन में अनंत जीवन तक दिखाई देगा एक हमारा प्रेम मसीही प्रेम या परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर डाला गया है वो सदा तक बना रहता है और उस प्रेम में जब आप चलते हैं तो जाहिर है कि आप सुसमाचार दूसरों को बताएंगे इसलिए मैं समझता हूं कि प्रेम और सुसमाचार दोनों के लिए हम कह सकते हैं कि वो सदा तक बना रहता आपको याद होगा यीशु मसीह के वे 11 छेले 11 छेले प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद योना का बीसवा अध्याय का बाईसवा पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उन पर श्वास फूका और कहा कि पवित्र आत्मा पाओ उस समय उनका नए सिरे से जन्म हुआ उसके बाद तुरंत वे लोग जाके प्रचार नहीं किया मसीह के बारे में और कुछ कह सकते हैं कि हाँ, उस दिन से लेके कुछ समय तक उनके जीवन में कोई पल नहीं था यानी उनके नए जन्म पाने से लेके पोष के दिन तक और हम जानते हैं चालीस दिन तो यीशु मसीह उन्हीं के साथ रहा है इसलिए उनको उस समय प्रचार करने की जरूरत नहीं थी और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ चालीस दिन या पचास दिन उनमें कोई पल नहीं लगे लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यीशु मसीह ने उनको चालीस दिन तक तो यीशु मसीह उनके साथ ही रहा और वो समय यशु मसीह ने उनको उन्हें नहीं डांडा कि देखो तुम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हो वो यीशु मसीह में ही बने रहे और 40 दिन के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चला गया या यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ असेंशन हुआ तब ये उससे पहले यीशु मसीह ने उनको एक आदेश दिया था कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता तुम्हें यरूशलेम छोड़ना नहीं चाहिए और इसलिए उन्होंने यरूशलेम नहीं छोड़ा और जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ उन्होंने कुछ भी नहीं काम किया तो 40 दिन यीशु मसीह उनके साथ थे और 10 दिन यीशु मसीह नहीं था लेकिन उनको इंतजार करने के लिए कहा गया था इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो फासला है 40 से 50 दिन का उनका नया जन्म पाने से लेके पेंद्रोष का दिन तक का जो समय है उस समय में वो फलवंत थे क्योंकि वो प्रभु की बातों को मान के इंतजार कर रहे थे प्रभु में ही थे दिखने में उन्होंने कोई फल नहीं लाया जैसे कि किसी को प्रभु के उस उद्धार में लेके नहीं आया किसी को नया उनके द्वारा नए सिरे से जन्म नहीं मिला और वो मिल भी नहीं सकता था क्योंकि पेंद्रकोष का दिन नहीं आया था पेंद्रकोष का दिन सबसे पहली बार सार्वजनिक रीति से नया जन्म पाना उपलब्ध कराया गया था इसलिए सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा आप ऐसा फल ला सकते हैं जो अनंत जीवन तक रहेंगे और सुसमाचार को सुनाने के लिए आपको या सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आपको परमेश्वर के प्यार में चलना जरूरी है इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के प्यार में चलना भी एक ऐसा फल है जो जिसका असर या जिसका इनाम अनंत जीवन में आपको मिलेगा और आपका अपना जीवन ये मैं पहले बता चुका हूँ फिर से दोहरा रहा हूँ आपका अपना जीवन जिसमें परिवर्तन आ चुका है उसको जब लोग देखते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव होता है यानी हम कह सकते हैं कि आपका परिवर्तित जीवन जो है एक बहुत ही असरदार गवाही है यीशु मसीह के लिए जब आप उस नए जीवन की चाल चलेंगे तो वो अपने आपे में एक गवाही है आप दूसरों को जा जाके ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह जीवन बदल डालता है लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको आप में वो दिखता है जो लोग पहले से आपको जानते थे यानी यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले आपको जानते थे क्या अब उनको आप में एक बदला हुआ जीवन दिखता है क्या आपको देखने के बाद आज आपको देखने बा, देखने के बाद आपके पुराने पड़ोसी या पुराने मित्र या आपके रिश्तेदार जो बचपन से आपको जानते थे वे लोग चकित हो जाते हैं और आपसे पूछते हैं या अपने आप से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ आप कैसे बदल गए क्या जो लोग आपको पहले से जानते थे आपके बारे में ये ताजुब करते हैं कि आप इतना आपके अंदर इतनी शांति क्यों है आपके अंदर इतना आनंद क्यों है आपको गुस्सा क्यों नहीं आता या या फिर जो लोग आपको पहले से नहीं जानते हैं लेकिन मान लीजिए आपके साथ काम करते हैं आपके साथ बिजनेस करते हैं या आपके स्कूल या, या कॉलेज में आपके साथ पढ़ते हैं वो इस बारे में अचंबा करते हैं कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति में इतना प्यार क्यों है इसमें इतनी शांति क्यों है इसमें इतना इतना आनंद क्यों है ये क्यों नहीं गुस्सा करता ये क्यों नहीं झुंझलाता ऐसा सोचते हैं आपके बताने से कि यीशु मसीह शांति देता है यीशु मसीह खुशी देता है यीशु मसीह में आप रहेंगे तो आप अपने जीवन में चिंता नहीं करेंगे ये सब दूसरों को आपके आप बता सकते हैं और आपके बताने से हो सकता है कुछ लोग कन्विंस हो जाए लेकिन आपके जीवन में यदि वो चीजें दिखाई देती है तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे लेकिन यदि आप दूसरों के बीच में रह के चिल्लाते रहते हैं और गुस्सा करते हैं शिकायत करते हैं दोष लगाते हैं और चुगली खाते हैं और फिर कहते हैं कि यीशु मसीह प्यार है यीशु मसीह में शांति है यीशु मसीह में आनंद है तो क्या कोई विश्वास करेगा प्रकाशित वाक्य में तीसरा अध्याय का चौदहवे पद में यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है यानी यीशु मसीह पिता का एक विश्वास योग्य और सच्चा गवाह रहा है इस पृथ्वी पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पृथ्वी में उस समय जब यीशु मसीह संसार में रहा उस समय यदि कोई परमेश्वर को जानना चाहता था पिता को जानना चाहता था तो यीशु मसीह को देखना यीशु मसीह को सुनना काफी था क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति पर उस समय यह प्रकट होता रहा कि पिता कैसे सोचता है और पिता का स्वभाव चरित्र यीशु मसीह में दिखाई देता था और ध्यान रखना यीशु मसीह उस समय मनुष्य बनके इस पृथ्वी में रहा है जब फिलिपूस ने यीशु मसीह से कहा कि हमें पिता को दिखाओ तो प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है तो क्या आज हम ये कह सकेंगे या कह सकते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने मसीहा को देखा है की पत्री में पहला अध्याय का पंद्रह पद में यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यीशु मसीह जो है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौटा है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया तो वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप बन के रहा है आपको याद होगा मैंने एक बार कहा था कि सीरिया की अंदाकिया में चेलों को पहली बार मसीही कहलाया गया यरूशलेम में जब शताब शुरू हुआ तो चेले तितर बितर हो गए थे और कुछ लोग अंदाकिया पहुंच गए और अंदाकिया में पहुंचने के बाद उन विश्वासियों ने उन चेलों ने वहां के अन्य जातियों में प्रचार किया और अन्य जातियों ने विश्वास किया और जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों को ये पता चला है कि अंदाकिया में अन्य जातियों ने मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किया है तो उन प्रेरितों ने बरनबास को वहां पर भेजा और यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको प्रेरितों के काम ग्यारहवा अध्याय में मिलेगा छब्बीसवा पद में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जब जरूसलेम में रहने वाले प्रेरितों को पता चला इस बारे में तो उन्होंने वरनवास को वहां पर भेजा और वरणवास वहां पहुंचकर देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह वहां पे लोगों पर प्रकट हुआ है तो उसने क्या किया वो तुरंत तरसूस की ओर या छिश की ओर चला गया और वहां पर पहुंचकर पोलोस से मिला और पोलोस को लेके वापस अंदाकिया में पहुंचा और लिखा है कि पूरा एक साल इन दोनों ने मिलके वहां के विश्वासियों को शिक्षा दी और उनकी शिक्षा का बहुत ही अच्छे पल निकले क्योंकि के लोगों में इतना बदलाव आया कि अन्य जाती लोग जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया जिन्होंने सिर्फ मसीहा के विषय में इनको इन लोगों को बात करते हुए देखा है सुना है उन्होंने कहा कि ये मसीही है यानी ये बिल्कुल मसीहा की तरह है या ये ठीक उसी मसीहा की तरह है जिसके विषय में ये लोग प्रचार करते हैं और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है अगर हम हम विश्वासी लोग बबक के वचन का अध्ययन करेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता लेंगे या पवित्र आत्मा हम जो परिवर्तन लाने की कोशिश करता है उसको हम ग्रहण करते रहेंगे तो हम इतना बदल जाएंगे कि लोग हमें देखकर कहेंगे कि ये वाकई में मसीह है इनमें मसीहा दिखता है यानी आपके अंदर आप में जो परिवर्तन आया हुआ है वो जोर से बात करेगा और दूसरों को बताएगा कि यही मसीहा मसीही जीवन है आज हम यहां पर रुक जाते हैं परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों पर बनी रहे और पवित्र आत्मा जो आप में काम करता है आपकी सहायता करता है उसे ग्रहण करते रहिए उसका विरोध मत कीजिए और आप धीरे धीरे बदलते जाएंगे